जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ गुरुजी के यहाँ संडे को, नजफगढ़। हमारे गुरुजी का स्थान है वहाँ पर, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। काफ़ी दिन से क्रेटा नहीं निकाली थी, उसी आज इसी में चल लेते हैं। साफ भी हुई हुई है, काफ़ी दिन हो गए इसमें बैठे हुए। टाइम हुआ है 2 और मैं अब निकला हुआ हूँ नजफगढ़ के लिए। महीने में एक चक्कर तो मेरा लग ही जाता है यहाँ पे। सर कल वैगनार खराब हो गई, मूड थोड़ा खराब हो गया, तो मैंने कहा आज क्रेटा में चल लेते हैं। काफी दिन हो गए इसको चलाए हुए, बदल बदल के चलानी चाहिए, हवा कम हो जाती है गाड़ियों में, रेगुलर रोक दो। जो गाड़ी उठा लो उसमें खर्चा है जी। अब इसको उठाया, इसमें पेट्रोल डलवाओ। पेट्रोल है भैया। जा रहे हैं गुरु जी के यहाँ, तो भजन भी चला लेते हैं। काफी दिनों से आ रहे हैं, पहले हम आते थे यहाँ पे सारा खाली होता था, अब बीच में अभी एक्सप्रेसवे बन गया दोस्तों। ये देखो, ये बन गया एक्सप्रेसवे। इधर गुरुजी का स्थान है, पहले ये बिल्कुल मैदान सा दिखता था, खाली सा, अभी पूरा वो जा रही है, यहाँ पे रोड बन गई। ये नीचे से जाते थे खाली होता था, गोदाम मैदान सा होता था खाली, अब तो ये पूरा ही एक्सप्रेसवे का बन गया प्रोग्राम। ये आ गया हमारे गुरुजी का नीलकंठ धाम। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, नीलकंठ धाम गुड़गांव वाले परम पूज्य गुरुदेव एवं परम पूज्य माता जी का।